This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी पर मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ आज के दिन की यानी 14 तारीख की गर्मा गर्म खबरें लेकर। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शास्त्रीय तरीके से ध्वजारोहण, कोमरम सोने राव दिल्ली को रवाना। इस गांव में योग क्विज प्रतियोगिता, पकड़ा गया 10 फीट लंबा अजगर। कल यानी 13 अगस्त को सभी ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया, लेकिन कुछ लोगों ने भक्ति भाव के साथ भगवान की विशेष पूजा के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों और मंदिर पर भी तिरंगा लहराया। कल कागज नगर बाजार के प्रसिद्ध व्यापारी श्री कमल किशोर बंग जी और किशोर क्लोथ स्टोर के मालिक श्री किशोर जी और चंदानी कंगन हॉल के मालिक श्री प्रशांत जी इस गांव के शिव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और महादेव का अभिषेक करने के पहले सफलता पूर्वक ध्वजारोहण करने का संकल्प लिया, जिसके बाद पूरे शास्त्रीय विधि विधान से इन्होंने तिरंगा लहराया। दिल्ली में होने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम में इस बार देश की सभी स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार जनों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे में तेलंगाना के विशेष स्वतंत्रता सेनानियों में से एक श्री कोमरम भीम जी के पोते कोमरम सोने राव जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। वे कल दिल्ली जाने के लिए कागज नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्शन अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और वे सकुशल दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस गाँव के वेद मंदिर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज दोपहर 12 बजे से वेद मंदिर में एक दिलचस्प अनुष्ठान देखने को मिला। पतंजलि महिला योग समिति ने वेद मंदिर में योग से जुड़े क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। योग से जुड़े कई कोर्स वेद मंदिर और पतंजलि महिला योग समिति द्वारा समय समय पर चलाया जा रहा है। ऐसे में इन्हीं कोर्सेज से जुड़े प्रश्नों के उत्तर इस क्विज प्रतियोगिता में पूछे गए। कागज नगर में ऐसा पहली बार हुआ है कि योग पर आधारित कोई क्विज प्रतियोगिता रखी गई है। इससे लोगों के मन में योग के प्रति एक दिलचस्पी बढ़ती दिखाई देने लगी। आयोजकों ने ऐसे ही बहुत से प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का प्लान भी बनाया है, जो कि जल्द ही कागज नगर में आयोजित की जाएगी। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक अजगर की फोटो है, जिसे कि एक व्यक्ति ने अपने हाथों में पकड़ रखा है। ये कागज नगर की ही फोटो है। चौंकाने वाली ये तस्वीर ईएसआई कॉलोनी की है, जहां करीब 10 फीट लंबा अजगर मिला। काफी कोशिशों के बाद इस बड़े से अजगर को पकड़ा जा सका। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कागज नगर में, वो भी बीच शहर, इतना बड़ा अजगर पाया जा सकता है। इससे जुड़ी एक लंबी वीडियो जल्द ही हम आपके इस चैनल पर डालेंगे, जहाँ आप देख पाएंगे कि कैसे जद्दोजहद के बाद ये अजगर पकड़ में आया। खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। रात को कुछ और नए खबरों के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। लोकल टीवी के साथ यूं ही बने रहे। साथ ही साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।